हेलो दोस्तों, मैं रजत शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारतीय रेलवे की अब तक की सबसे एडवांस ट्रेन है। अपनी विशेष सुविधाओं और गोली की जैसी रफ्तार की वजह से यह ट्रेन लोगों की पहली पसंद में शामिल होती जा रही है। अब रेल मंत्रालय इसका और विस्तार करने जा रहा है। रेल मंत्रालय अगले साल यानी 2024 में फरवरी या मार्च तक देश के सामने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का स्लीपर वर्जन पेश करने वाला है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का स्लीपर का लुक और डिज़ाइन सब तय हो गया है। इसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। अभी सोशल मीडिया पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर वर्जन की तस्वीरें आई हैं जो आते ही वायरल हो गई हैं। वायरल तस्वीरों में वंदे भारत एक्सप्रेस का स्लीपर ट्रेन का लुक एक शानदार होटल की तरह दिखाई दे रहा है। कुछ विशेषज्ञों से मिली जानकारी के आधार पर यह माना जा रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में 857 बर्थ होंगे, जिसमें 34 स्टाफ के लिए हो सकते हैं। बता दें कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर ट्रेन 2024 के मार्च में चेन्नई से आ सकती है। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है। ट्रेन के अंदर के लुक की बात करें तो यह एकदम होटल की कमरों की तरह है। भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन को देश के कई रूटों पर चलाने का इरादा किया है। दोस्तों, भारतीय रेलवे के अनुसार बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का स्लीपर वर्जन अब यह ट्रेन फरवरी या मार्च 2024 तक पटरियों पर चलेगी। इसमें 857 बर्थ होंगे, इनमें 800 यात्री और 34 स्टाफ के लिए बुक किए जाएंगे। यहाँ पर पेंट्री की सुविधाएं भी होंगी। सोशल मीडिया पर इस ट्रेन की अंदर की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और यह बिल्कुल लग्जरी लग रही है। इसके कोच में बहुत अधिक स्पेस भी है, जिससे यात्री बहुत आराम से सफ़र कर सकेंगे। दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस की स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को देखकर ऐसा लगता है कि यह एक लग्जरी होटल की तरह ट्रेन होगी। इसमें यात्री बहुत ही आराम से सफ़र कर सकेंगे। इसकी स्पीड भी आम वंदे भारत एक्सप्रेसों से ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, भारतीय रेलवे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को देश के कई रूटों पर चला रहा है। हालांकि अभी यह ट्रेन सिर्फ चेयर कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ही है, लेकिन अब स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी जल्द चलने वाली है। यह ट्रेनें लंबी दूरी के लिए चलाई जाएंगी। दोस्तों, स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को इसी फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च करने का प्लान है। साथ ही मेट्रो वंदे भारत एक्सप्रेस को भी इसी फाइनेंशियल ईयर में चलाया जाएगा। कोच बनकर तैयार कर दिया गया है और अब आगे का कार्य पूरा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की अंदर की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। देखने में ये काफ़ी लग्जरी लग रही है। स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का कोच लग्जरी होने के साथ ही ज़्यादा स्पेस भी दिखाई दे रहा है। यह किसी लग्जरी होटल वाली फीलिंग दे सकता है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर वर्जन में करीब 20 से 22 के बीच कोच हो सकते हैं। इसमें कुल 857 सीटें उपलब्ध होंगी, जिनमें से 34 सीटें स्टाफ के लिए रिजर्व रहेंगी, जबकि 823 बर्थ को यात्री के लिए ओपन रखा जाएगा। इस वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर वर्जन का इंटीरियर डिजाइन 5-स्टार होटल की तरफ पर बनाया गया है। यानी कि सीट से लेकर सीढ़ी, लाइट, सफाई सब कुछ किसी बेहतरीन होटल में ठहरने का एहसास कराएगा, जिससे यात्रियों के सफर का आनंद डबल हो जाएगा। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में पेंट्री वाला डब्बा नहीं होगा। इसकी बजाय ट्रेन के हर कोच में एक एक मिनी पेंट्री की व्यवस्था की जाएगी, जहां से ट्रेन में सवार यात्रियों को फूड आइटम की सप्लाई की जाएगी। दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर वर्जन में दिव्यांग यात्रियों को चढ़ने उतरने के लिए खास इंतजाम किए जाएंगे। इस ट्रेन में उनके लिए रैंप और व्हीलचेयर की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, फुट रेस्ट एक्सटेंशन और कुशन वाली सीट की व्यवस्था भी की गई है। दोस्तों, कब होगी इस शानदार ट्रेन की शुरुआत? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर वर्जन कब दौड़ेगा पटरी पर? इस बारे में फिलहाल कोई घोषणा नहीं की गई है। माना जा रहा है कि अगले साल जनवरी फरवरी में इसका ट्रायल रन शुरू हो सकता है और अप्रैल 2024 तक ट्रेन का पहला वर्जन संचालन में आ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस का साधारण वर्जन यानी वंदे भारत एक्सप्रेस साधारण ट्रेन का वर्जन भी तैयार किया जा रहा है। इसे नॉन एसी पुश पुल ट्रेन भी कहा जा रहा है। यह नॉन एसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। इस ट्रेन का सेट बनकर तैयार है, जिसे इसी साल अक्टूबर में लॉन्च किया जाने की पूरी तैयारी है। ट्रेन सेट में 22 कोच हैं और दोनों तरफ लोकोमोटिव इंजन लगे हैं। ICF का इंटीग्रल टारगेट 15 अक्टूबर है, तब तक सभी टेस्टिंग पूरी हो जाएंगी। यानी 15 से 31 अक्टूबर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का साधारण वर्जन यानी नॉन एसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की लॉन्चिंग भी हो सकती है।